यूजुअली तो ज्योति मुझे अपडेट्स देती है और मैं आपको दिखाता हूँ, यही होता है हीरो बनने का नतीजा ना। लेकिन अब ज्योति गई थी छुट्टी पे, बाद में बहुत लोग आपके बारे में पूछ रहे थे ब्लॉग में, तो अब मैं ज्योति को अपडेट दूंगा। एक तो आपके पीछे से वो अडॉप्ट हो गया, जिसका नाम विक्की के पेट के नाम पे जोजो रखा गया था, जो जिसका आप लोगों ने पहले क्लच, हाँ जी तुम लोगों ने हाँ शायद गलत बताया था। अच्छा है जो जो हाँ जो वही जो ये वही है ना जो पालमपुर में आप गए थे और किसी ने जी यहाँ पर वो 3 दिन में हील हो गया, फिर उसकी अडॉप्शन की प्रोसेस शुरू हो गई और अच्छी जगह अडॉप्ट हुआ है यहाँ पे धर्मशाला में। जो जो हमारा पिछला डॉग सेम वैसा ही है, सेम ही है, वो भी हमने अडॉप्ट किया था, वाइट हेयर नीचे थोड़ा थोड़ा, तो सेम उसकी तरह, तो आप ही हमें मतलब सबसे पहले यही पसंद आया कि आप यही लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच, और टेंशन नहीं लेना, हम बहुत अच्छे से रखेंगे इसको। हां चलो भैया बाय कर दो, बाय बी वेलकम। इसको लग रहा है ना इसका अडॉप्शन हो गया, देखो तो बोलता मैं सीधा बच्चा बन के रहूंगा, घर जाके बताऊंगा मैं कैसा हूं। बड़ा अच्छा लग रहा है जो जो अडॉप्ट हो गया, कोई कहानी सुहानी को भी अडॉप्ट कर ले। और एक वो रिलीज हुआ हमारा दबंग, दबंग मार्च एंड में आया था हमारे पास, और टेस्टिकल इंजरी थी उसकी कैस्ट्रेशन की वजह से हुई थी जो, लेकिन बहुत लंबा समय लगा है हीलिंग में, लेकिन बहुत अच्छी हीलिंग होती है। बाय दबंग, दबंग की व्यू बहुत अच्छी। दबंग पहला था वो जिसने ये टेस्टिकल वाला की शुरुआत करी है? नहीं, नहीं दबंग के पहले और था एक, मजनू याद नहीं ऐसा नाम मुझे अभी, तो इतने सारे इस समय तो हमारे पता नहीं कितने, हमने आज सुबह तो गिने 44 सिर्फ गाय बैल है, और हमारे वो अलग है ना, इक्वाइन्स अलग है हमारे। तुम इंग्लिश मीडियम पढ़ी हो क्या? हाँ अच्छा क्या हो गया? बहुत खुजा रही, तो खुजली हो रही है। नहीं उसको खुली नहीं हो रही, उसका तरीका है ये प्यार दिखाने का, ऐसी तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारी लव लैंग्वेज फर्क है। तुम तो कोई लड़की तुम्हारे साथ ऐसे बैठेगी तो तुम हो गए तो इतना चिपक के क्यों बैठ रही है। और उसका जो बड़ा जो एक और टेस्टिकल केस है हमारा भोगी, हाँ डॉक्टर हिमांशु ने कुछ कहा कि उन्होंने धीरे धीरे वो लूज की उसकी अटैचमेंट, इसका टेस्टिकल ब्लैक हो रहा था, मतलब नेक्रोसिस हो रही थी उसमें काफी, तो आज मैंने उसकी अटैचमेंट लूज की धीरे धीरे, तो शेड हो गया। अटैचमेंट बोले तो मतलब जहाँ से वो जुड़ा होता है, वो पहले से ही ढीली थी, ढीली ही थी पर थोड़ी थोड़ी लूज कर रहे थे हम डेली, आज मैंने खुद से लूज की और वो निकल गया। मतलब उसकी तो हाँ। पीड़ा खत्म हुई, पर थोड़ा अजीब था कि उसके टेस्टिकल्स जस्ट झड़े हैं, झड़ गए हैं। ये झड़ने पे एक और जो एक बड़ा अजीब, तुमने एक बैल का नाम रखा हुआ है संयम, संयम मैंने नहीं रखा है, वो नाम मेरे जाने के बाद रखा गया। अरे ये पता क्या क्या रख रहे हैं, संयम, एक का नाम रखा है कतार। अच्छा कतार नाम है उसका, कतार जो डॉक्टर तरन ने रखा है। अभी तो बस समझता है कतार, पहले तो मुझे लगा कि क्योंकि बैलों की कतार लगी है, या फिर मुझे लगा वो जो तुम्हारी अरब देश है कतार कंट्री में यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे भेज दिया जाएगा बैल को। टाइम कहाँ होता हमारे पास, हमें ऐसा होता है कि बैल आया है ठीक है, तीन एक साथ आए हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी हम नाम रखते हैं। तो नामों की एक लिस्ट मेंटेन करके रख लो। खैर तो उसका सींग गिर गया, नहीं पता तुम्हें? नहीं सर, हम तुम्हें वीडियो में दिखाते हैं। ये क्या है सर आपके हाथ में? ये इसका हॉर्न जो जुड़ा हुआ था थोड़ा सा, जो छेद था जिसके हॉर्न में, हाँ हाँ वो वाला वाज निकल गया पूरा, पट्टी जैसे खोली हमने ना। अच्छा खुद ही निकल गया सर? हाँ जी, ज्यादा ही आ रहा है ना ब्लड तो भाई। हाँ अभी तो निकलेगा ना, एकदम निकला ना, रुक जाएगा। एक और प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब जो वहाँ ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं वो दो लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अब वो जो कतार है, कतार है वो खूब तड़ पड़ करता है और वो अपने आप को चोट लगा लेता आज दाढ़ पे, तो वहाँ पे तीन लोग ही जाएं ट्रीटमेंट करने कम से कम ऐसे बैल के। हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल इज कि भाई हमें पेन कम करना है, तो ट्रीटमेंट एक दिन छूट जाएगा चल जाएगा, पर ऐसा ना हो कि वो दाढ़ पे लगा ले उसके चोट लग गई है अब। ठीक है मेरे को फोन पे देखना पड़ेगा लिस्ट, अब इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है भैया, बहुत कुछ दिमाग में रखना पड़ रहा है। हाँ ये जो बिल्ली हमारे यहाँ घूम रही है यमुना, यमुना को हमने रिलीज किया ना जिस दिन में आई उसी दिन तो रिलीज किया है। ऐसे पकड़ने पर नहीं ना, पता चला कि उसने मुझे काट लिया। नहीं छड़ मत, काट लिया, दूर रहो तुम। ये नहीं काटती हमें बच्चा, काटती है, काटती है और क्या, अग्रेसिव है ये बहुत ज्यादा। कहां लेके जा रहे हो? ऐसे जी भैया के रूम में छोड़ देनी है। क्यों? अरे कि वहाँ पे संजय भैया को बिल्लियाँ पसंद है, यहीं छोड़नी बाहर, यहाँ छोड़ दे, यहाँ ऊपर बैठा दो, छोड़ो छोड़ो इसका खाना दे दो,
ये आजाद हूँ मैं। ये उधर चिम्मी स्पॉट होंगे। नहीं ये ले, यहाँ रख दे। बम्बू एरिया की तरफ गई है वो। इसको पता है कि यहाँ खाना रखना है। खाना दीदी, इसको हमने जहाँ से लाए थे वहाँ क्यों नहीं छोड़ा? एक्चुअली पता है कि यहाँ पे इसलिए छोड़ा क्योंकि इसकी बेटी जो है वो हो गई अडॉप्ट, तो फिर ये वहाँ से इतनी दूर कहाँ रोती रहती, तो यहाँ पे आस पास रहेगी हमारे आस पास ही। पर इसका तो ज़्यादा लगाव था ही नहीं अपनी बेटी से। क्यों नहीं था? लास्ट टाइम जब ये भागी थी, ठीक है, ये अपनी बेटी के लिए ही अंदर आई थी क्लिनिक में, ना कि हमारे लिए। और ये अभी यहीं पर रहती है ना हमारे वॉशिंग मशीन वाले उसमें टीन पे ऊपर और अंदर एस कैनल में। एक बस का बता दो, बस का मैं आपको बता दूं, बस को हमें करना पड़ा रिलीज। उसका जो हर्निया का इशू था उसके लिए तो हमने उसकी सर्जरी कराई थी और वहाँ जो उसका मसल टियर हुआ था वहाँ पर मेश से उसे फिक्स कर दिया गया। पंजाब से हमने मेश हाँ जी, वो श्रिंक तो नहीं हुआ लेकिन जो सूचर लाइन है बहुत अच्छे से हील हो गई थी। अब जो मेन दिक्कत आ रही थी उसकी हेल्थ की, बहुत वो वेट लॉस कर चुकी थी ऑलरेडी। हमने यहाँ पर उसको हर दूसरे दिन अलग अलग घास ला के खिलाने की कोशिश की लेकिन वो दो दिन खाती और तीसरे दिन छोड़ देती थी। मोटे तौर पे देखो ये जो हमने उसकी सर्जरी कराई है ना उससे उसका जो इशू है वो अब वर्स नहीं होगा कम से कम। दूसरी चीज ये है कि अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो उसकी जान को है खतरा। हाँ। तो उसके लिए उसका स्प्रे जो है वो जरूरी है, वो स्प्रे होगा बारिश के बाद। लेकिन तब तक हम उसको रख नहीं सकते यहाँ पे क्योंकि वो यहाँ पे सूख के हो रही है कांटा। तो अब हम 2 महीने बाद उसको सड़क से लाएंगे, पालमपुर में उसकी स्प्रे सर्जरी करवाएंगे ताकि उसका बच्चा ना हो। ठीक है, उसका जो हर्निया का इशू है वो कैरी नहीं कर पाएगी ना, ऑलरेडी इतना बड़ा हर्निया है, उसका वजन है, ऊपर से फिर उसका अगर बेबी अंदर रहेगा तो नहीं हो पाएगा। बदतमीज है ये बकरा, मारा इसने आपको? कोशिश करी इसने। खैर, और एक ज्योति के आने से एक दो दिन पहले इसके लिए खिलौना आया है। खिलौना? आप डॉग की बात कर रहे हैं। उसको ट्यूमर है पर उस ट्यूमर ने उसकी ना जान काइंड ऑफ बचा ली एक तरीके से। लेकिन ये हम आपको डिटेल सारी देंगे अगले व्लॉग में। आपको तो पता है? हाँ जी पता है, पर ये बताएगी नहीं। ज्योति क्या कर रहे हैं? शफल कर रहे हैं हम। जो हमारे हॉस्पिटल में इतने भी केसेस हैं वो नए नए हैं, तो वो अगर हमारी नजर के सामने यहाँ रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल वाले काउशेड में बहुत से ऐसे गाय बैल हैं जिनसे अभी हमने आपको मिलवाया नहीं, और उनमें से 2 पिछले हफ्ते आए हैं जिनसे अभी हम आपको मिलवाएंगे। पहली तो है मेघा, जिसको एक सड़क दुर्घटना में बहुत सी चोट लगी पर स्थानीय लोगों ने उसकी मदद करी, उसका इलाज भी कराया। जब हम उसको लेके आए तो उसके पूरे सर पे पट्टी बंधी थी और हमें ये भी नहीं पता लग रहा था कि उसका कान है भी या नहीं। अभी ऐसा ना हो टैक के चक्कर में किसी ने कान ही काट दिया हो। जब मेघा की पट्टी खुली तो उसका कान तो वहाँ पे था पर इस हालत में नहीं था जिसको देख के हम खुश हो सकें। पर हाँ, ये जान के फिर भी खुशी हुई कि लोग अभी इतना नहीं गिरे कि टैग के चक्कर में गाय का कान भी काट देते हैं। सर मैं देख रहा था कि कान की हड्डी अलग हो रखी है क्या? हड्डी नहीं है, इलास्टिक टिश्यू है, वो हो जाएगा, पता चलेगा 2-3 दिन में कि क्या पोजीशन है कान की। एंड व्हाट अबाउट हियरिंग सेंसेस, सुन पाएगी? सुन पाएगी, कान खड़ा नहीं कर पाएगी बस। और दूसरा है प्यारे, जिसकी पीठ की चोट के बारे में जो डॉक्टर हिमांशु का एनालिसिस है, मैं उसे सच मानते हुए भी मानना नहीं चाहूंगा ताकि मेरा इंसानियत पे भरोसा कायम रहे। अब किसी ने कुछ मारा हो सकता है तेज धार वाला। डेड टिश्यू रिमूव हुआ है, थोड़ी सी पपड़ी जमी थी वो रिमूव की है, और बाकी तो हमने अभी अच्छे से क्लीनिंग करके उस पर ड्रेसिंग कर दिया है हैमेक्स की, प्लस एंटीबायोटिक और पेन किलर तो हम रखेंगे। और जो ऑलमोस्ट हील्ड एनिमल्स हैं हमारे, उनको हम वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं ताकि वहाँ पर ये लोग खुले में रहें, हीलिंग और जल्दी फास्ट हो, है ना। फिलहाल तो हम यहाँ से पिट को भेज रहे हैं और मिनियन को भेज रहे हैं और बर्फी को भेज रहे हैं, क्योंकि तीनों साथ में ही चले जाएंगे। वो समझ गया कि मेरे को भेज रहे हो यहाँ से आप लोग। राजकुमार को भी भेज देंगे, बस इसका बिल्कुल मन नहीं जाने का। ये 3 लेडीज लगी हुई हैं एक बैल को काबू लाने में, 3 लड़कियों ने करा एक बैल को काबू। बहुत ज्यादा अंडरएस्टिमेट नहीं किया हुआ है तुमने अपने दिमाग में हमें? नहीं, ऐसा मत बोलो, ठीक है। जो जिस कुत्ते के लिए 4 बंदे जाते हैं उनको मैं एक अकेली हैंडल करती हूँ, है ना, ऐसा मैं समझो तुम। वाह वाह क्या वाह, ये तो वाली बात होगी, तड़का कोई और है, खाए कोई और। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। है? क्या मतलब? पकड़े हम, इलाज आप कर दो। तो फिर मानते हो ना, कुछ मान लो। आजा बर्फी, आजा आजा आजा।
और इन तीन के बदले हम लाए दो, जिसमें से एक मेगा जिससे अभी हमने आपको शुरू में मिलवाया, और कैप्टन जिससे हमने आपको कल मिलवाया था। पीपल फार्म के शुरुआती दिनों में बहुत से वॉलंटियर्स यहाँ पे विदेश से आते थे और वो हर तरह के जानवर की रिकवरी में हमारी मदद करते, चाहे वो कुत्ता हो या फिर गाय। अब जब वो ऐसा करते थे तो बिना हमारे कुछ कहे ही उनके दिमाग में विचार पहुंचता था कि अपने देश में हम कुत्तों को तो प्यार करते हैं पर गाय को हम खाते हैं। तो उनमें से बहुत से लोगों का शाकाहारी बनने का सफर यहाँ से शुरू हुआ। हमारे यहाँ फिर से लोगों की शफलिंग चल रही है। ज्योति छुट्टी से वापस आ गई है, नेहा छुट्टी पे जा रही है, वेनु अभी भी छुट्टी पे है, इसीलिए संडे को विक्की संडे मोड में शूट करने आया है। इसका वो वाला हाल है भाई, संडे को ऊपर तो ऊपर फॉर्मल शर्ट, नीचे दिक्कत, कभी कभी कोई आ भी जाता है, कभी कभी कोई नहीं भी आता। हमारे जो एक और ट्रांजिशन हो रहा है, डॉक्टर गुलशन हमारे यहाँ से अब जा रहे हैं। सर मैं आपको ये माइक लगा दूँ। डॉक्टर गुलशन अब अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो आप सर हो गए कहाँ पे? धर्मशाला मोस्टली, और थोड़ा बहुत ऑनलाइन कंसल्टेशन हो जाएगा। स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा, देखते हैं अब कितना चीज़ें चल पाती हैं नहीं चल पाती हैं। डॉक्टर गुलशन ने एक चीज़ बताई, मैंने इनसे पूछा ना कि भाई आपने यहाँ पे क्या सीखा, तो इन्होंने बताया कि भाई जो पार्ट है कि यहाँ पे हम एनिमल्स की रिकवरी कर रहे हैं वो इनके लिए चेंज था। डॉक्टर गुलशन बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे। सर जैसे यहाँ की रिकवरी का, कोई भी एक एनिमल इंजर्ड होता है या इवन सर्जरीज भी होती हैं, तो मोस्ट ऑफ दिस जगह पे जो हमने देखा है कि सर्जरीज कर दिया और सड़क पे छोड़ दिया या हाफ ट्रीटमेंट में छोड़ दिया, मतलब फुल रिकवरी तक कोई देखता नहीं है। बड़े सारे वेट्स हैं, इवन जो सरकारी अस्पताल भी होते हैं वहाँ पे इलाज तो कर देते हैं पर रिकवरी की कोई जगह नहीं होती, तो इवन डॉक्टर्स को भी नहीं पता लगता कि कौन सी चीज़ इफेक्टिव है। हाँ, कौन सी चीज़ उनको एंड रिजल्ट पता ही नहीं लगता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जैसे अगर आप किसी जगह पे लगते हो गवर्नमेंट बेड, तो आप ट्राई करोगे कि वहाँ पे दो चार रिकवरी कैनल हॉस्पिटल के अंदर, और कुछ एक जैसे लोगों के सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ना, तो अगर वहाँ बनाने की कोशिश मैं कर सकता हूँ कि हाँ लोगों को कि आप यहाँ रख लो, बस आप थोड़े दिन उनके लिए टेक केयर कर लो, खाने के लिए जैसे पानी दे दो, वो सारा कुछ ट्रीटमेंट वगैरह है वो हम हॉस्पिटल से कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अगर भाई आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप स्ट्रे एनिमल्स की हेल्प करते हो और आपको वेटनरी सुविधा नहीं अवेलेबल, तो अब आप डॉक्टर गुलशन से सीधा संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपकी परमिशन से आपका नंबर दे रहे हैं हम। यस सर। ठीक है, परमिशन है ना? हाँ जी। चाचा, हाँ जी, कोई आखिरी शब्द डॉक्टर गुलशन के लिए? आखिरी शब्द क्या, दुख लग रहा है जा रहे हैं। चेहरे पे खुशी है और वैसे दुख लग रहा है, है? नहीं यार। देख रहे थे दांत दिख रहे हैं आपके। अब क्या करूं, दांत भी नहीं बाहर, क्या देखो अभी, देख क्या कह रहे हैं, दुख है मेरे को। वैसे नहीं, काफी टाइम से खेलते हमारे साथ रहे ना। अच्छा। तो इनसे काफी खेलते, क्लोज हो चुके थे। कितने क्लोज थे? इतने बस, अभी गैप है थोड़ा सा। ओले ओले भर दिया और टाइट। किस बीमारी के लिए आए थे सर आप? बहुत सारी बीमारियां लगी थी। डॉक्टर हिमांशु, आपका चड्डी बड्डी जा रहा है, आप आओगे नहीं क्या मिलने? हैं? अभी तो रिलीज की तैयारी। रिलीज करने कौन जा रहा मैं? हाँ, आप भी तो जा रहे हो। सच्ची? हाँ, अब रोना चाहते हो तो रो लो, कंधे पे सिर रख के। ये बोलना चाहता हूँ कि आगे जो भी करे बस अपना मन लगा के करे, और आगे और बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और अच्छी करने के लिए, तो उनको ग्रास्प करें और आगे ग्रो करें लाइफ में। आई विश हिम ऑल द सक्सेस। गाना सुनाएंगे, उन्होंने लास्ट व्लॉग के एंड में गाना सुनाया ना। हाँ सर, गाना। सर बहुत कमेंट आए आपके गाने के लिए। बाय। ठीक है डॉक्टर गुलशन, डॉक्टर गुलशन की रिलीज प्लेटफॉर्म पे आज आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसा लगता था जिन जानवरों की आपने मदद करी उनको। ठीक है सर। डॉक्टर गुलशन ने कितने 1000+ एनिमल्स की रिकवरी में हेल्प करी। क्या बात है, चंबी भी उनमें से एक था क्या सर? हाँ, लेटेस्ट
बेचारा कितना ही सैड है। इससे मिलवा देना हमें अच्छे से, ये काफी चिंप जैसा लगता है। कहाँ से चिंप लगता है हमारा बच्चा इतना? मेरा हैंडसम बॉय।